दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज ने जमुई जिला अनुमंडल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पूर्व डीआईजी मनु महाराज को जमुई पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात पुलिस अनुमंडल कार्यालय के एक एक कमरे में जाकर रखरखाव की समुचित व्यवस्था की जानकारी ली गई और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी राम पुकार सिंह के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि आज अनुमंडल पुलिस कार्यालय के अंतर्गत हरेक थानों व अंचल का रिव्यू किया जा रहा है। खासतौर पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां की समीक्षा की गई और संबंधित थाना प्रभारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नक्सलियों के संबंध में उन्होंने बताया कि जमुई के तेजतर्रार एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू के सफल निर्देशन में एएसपी अभियान और डीएसपी भास्कर रंजन के नेतृत्व में चरका पत्थर थाना क्षेत्र के जंगलों में एक झोपड़ी से बड़ी मात्रा में असहले सामग्री एवं नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। खासकर के झाझा रेल थाना से भी जीआरपी का लूटा हुआ एक ऐसे लार राइफल भी बरामद किया गया है, जो पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुंगेर खड़गपुर क्षेत्र में दो दिन पूर्व नक्सलियों के द्वारा दो मुखबिरों की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि एएसपी अभियान मुंगेर लखीसराय और जमुई के साथ साथ आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन की एक बैठक बुलाई गई है और हम लोगों का नक्सलियों के विरुद्ध जंग और छापेमारी जारी रहेगी। उन्होंने अपराधियों एवं नक्सली गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि अपराधी जो भी हों उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। परिपेक्ष में भी जो रिव्यू किया जा रहा है उसकी क्या तैयारी है, उस सब का रिव्यू हमारे द्वारा किया जा रहा है और इंस्पेक्शन किया जा रहा है। सर, कोरोना का अभी जिस तरह से जम्मू जिले में सर आप लोग पुलिस कर्मियों में भी सर पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं सर, तो उसके एहतियातन क्या विशेष किए जा रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन जम्मू जिला में लगाया गया है और लगातार प्रचार प्रसार भी इस तरह से पुलिस के द्वारा भी किया जा रहा है कि किस तरह से हमको इस बीमारी से बचना है। पुलिस वाले जो है, पुलिस लाइन में भी व्यवस्था को चेक किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है, मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं, सैनिटाइजर वगैरह उपलब्ध करवाए गए हैं और लगातार लोगों को इस चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है कि किस तरह से उनको अपने आप को बचाना है इस चीज़ से, और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पुलिसिंग भी करनी है, अपराध को भी कंट्रोल करना है, नक्सल को भी कंट्रोल करना है, इसीलिए रिव्यू भी किया जा रहा है और उस चीज़ को हम लोग अनुपालन करवाएंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।